सो गाइस फाइनली द ऑल न्यू KTM ड्यूक 200 इज हियर, फाइनली लॉन्च हो चुकी है लेटेस्ट। यहाँ पर ड्यूक 200 की अगर हम बात करें 223,000 रुपये इस बाइक का प्राइस है। KTM ने पहली बार यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ाया है नई बाइक लॉन्च करने के बाद भी, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ इस बाइक का, और इन डिटेल हम बात करने वाले हैं कि इस बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या यहाँ पर नया देखने को मिलता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ड्यूक 200 लेनी चाहिए या फिर कोई और बाइक लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज द अमेजिंग ऑल न्यू 2022 लेटेस्ट KTM ड्यूक 200। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यहाँ पर पेंट स्कीम, कलर स्कीम आई है, बट यहाँ पर एक जो ख़राब बात आई वो है कि इसमें जो वाइट कलर आता था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है अब। एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में, सबसे पहले कलर के बारे में बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर आपको जो अलॉय व्हील है ऑरेंज कलर के अंदर देखने को मिलने वाला है, ग्लॉस ऑरेंज है, काफ़ी बढ़िया कलर लगता है, सिग्नेचर कलर है यहाँ पर KTM का। जो मडगार्ड है फ्रंट का, ये आपको सिल्वर कलर में, ग्रेइश सिल्वर कलर का आपको यहाँ पर टेक्सचर देखने को देगा। एंड ओवरऑल ये मैट फिनिश के अंदर है। यहाँ पर अगर हम हेडलाइट क्लस्टर के बारे में बात करें तो हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर ही आती है अभी भी। एंड यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ये आपको ग्लॉस ब्लैक के अंदर देखने को मिलता है। यहीं हम साइड पैनल्स के बारे में बात करें तो सिल्वर ग्रे स्टोन आपको देखने को मिलती है, मैट फिनिश के अंदर है। एंड कुछ इस प्रकार से आपको ड्यूक 200 की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करें टैंक के बारे में तो ग्लॉस फिनिश के अंदर ये आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। एंड रियर में अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ऑरेंज कलर के अंदर रियर यहाँ पर आपको पैनल देखने को मिलता है, साथ में ग्लॉस आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर में अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। प्रॉपर जो फ्रंट लुक है वो कुछ इस प्रकार से आता है, बहुत डिफरेंट यहाँ पर कलर देखने को मिलता है। इसके ओल्ड कलर मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूक 200 के, जो कि अभी हमारे पास है यहाँ पर ऑरेंज कलर और यहाँ पर वाइट कलर। वाइट कलर जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है, दो कलर्स में बाइक आती है, एक तो ये ऑरेंज कलर एंड जो ग्रे कलर मैंने अभी आपको दिखाया है, वैसे वो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर था, बिकॉज बहुत शानदार लगता था वाला कलर। अब चलते हैं यहाँ पर न्यू कलर, न्यू वेरिएंट के पास, और आपको इन डिटेल यहाँ पर मैं स्पेसिफिकेशंस के साथ बताता हूँ यहाँ पर बाइक के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो जो डिस्क ब्रेक है 300 mm का देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको बाइब्री के कैलिपर देखने को मिलते हैं, डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती है, MRF कंपनी के यहाँ पर आपको टायर देखने को मिलते हैं, 110/70 सेक्शन के टायर आते हैं, 17 inch के यहाँ पर अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है, ग्रे कलर के अंदर आपको जो है यहाँ पर मडगार्ड सेक्शन देखने को मिलता है, हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर ही अभी भी आती है यहाँ पर ड्यूक 200 के अंदर LED DRLs के साथ, और LED इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यार हेडलाइट क्लस्टर अगर LED आ जाए ड्यूक 200 के अंदर परफेक्ट ये बाइक हो जाएगी, वैसे बहुत बढ़िया बाइक के पास एक हेडलाइट क्लस्टर LED आ जाए तो। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो ओल्ड डिज़ाइन वाला ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। हैंडल बार्स की बात करें एट द लेफ्ट यू गेट द हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न पास बटन, राइट साइड में आपको किल स्विच और इग्निशन स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पर 13.5 liters का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, मेटल फिनिश के साथ आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। साइड पैनल्स कुछ इस प्रकार के आते हैं। इंजन के बारे में बात करें 199.5 cc का इंजन आता है, सुपर स्मूथ, सुपर रिफाइंड, सिटी के लिए बहुत परफेक्ट बाइक है मेरे हिसाब से ये। जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी अपने लिए एक फर्स्ट बाइक ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ड्यूक 200 एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और शानदार बाइक है, बिकॉज ये बाइक जो है एक बहुत डिसेंट पावर के साथ आती है, डिसेंट ब्रेकिंग के साथ आती है, और माइलेज बहुत बढ़िया आता है इस बाइक का। यहाँ पर हम बात करें रियर में आपको मोनोशॉक देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर, 6 gear आते हैं, सुपर रिफाइंड सुपर स्मूथ गियर शिफ्ट्स हैं। कुछ इस प्रकार से आपको स्विंग आर्म देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलता है, स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है, लुक्स रियली रियली नाइस। रियर में अगर हम बात करें तो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, बाइब्री कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, तो जो रियर टायर है इसके अंदर, रियर जो ब्रेक है इसके अंदर भी आपको ABS देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम रियर टायर के बारे में बात करें 150/60 सेक्शन का टायर आता है, 17 inch के ही अलॉय व्हील्स आते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपको KTM की स्ट्राइपिंग देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर के अंदर। कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पर टेल लाइट बाइक की देखने को मिलती है, LED इंडिकेटर्स आते हैं, एंड दिस इज हाउ द बाइक लुक्स लाइक। सीट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत कंफर्टेबल है सीट्स, सिटी के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है, बट हाईवे के हिसाब से थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है स्पेसिंग में हल्की सी मुझे कमी लगती है यहाँ पर पिलियन की। बाकी अगर आप एक सिटी के लिए बाइक ढूंढ रहे हो और आपको छोटी मोटी यहाँ पर लगभग 100-200 किलोमीटर की राइड करना पसंद है अपनी सिटी के आसपास,
बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बाइक है, बिकॉज जिस प्राइस में ये बाइक आती है उस हिसाब से 223,000 रुपये में आपको लगभग यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। सो गाइस, आज की वीडियो थी ऑल अबाउट द ऑल न्यू KTM ड्यूक 200। आपको ये बाइक कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मुझे पर्सनली पैसा वसूल गाड़ी लगती है ये। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल भी आ रहा है, Throttle_98 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर पावर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट शो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।